नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा सक्सेना, कंसल्टेंट होम्योपैथ। मैं नियो ENT क्लिनिक में लास्ट 10 to 12 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो कि गाज़ियाबाद ज्ञानखंड 4 में है, इंदिरापुरम में। आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोगों के बीच पाई जाती है, बहुत से पेशेंट्स को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। बहुत से पेशेंट्स उसके लिए ऑलरेडी एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जैसे कि कुछ एल्ट्रोक्सिन खा रहे होते हैं, कुछ थायरोनॉम या लिवोथायरोक्सिनम भी आजकल दी जाती है उनके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि लोग पूछते हैं कि क्या थायराइड का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है या नहीं है। तो यस, डेफिनेटली थायराइड का ट्रीटमेंट, हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है। फिर पेशेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपनी एल्ट्रोक्सिन बंद कर दें। तो हम उन्हें हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि एकदम से हम किसी भी हार्मोनल टैबलेट को बंद नहीं करवाते हैं। साइड बाय साइड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ उनकी डोज को टेपर किया जाता है एंड फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स के बीच में, उनके इन्वेस्टिगेशंस के साथ में, उस डोज को कम करके और हम होम्योपैथी की ही ट्रीटमेंट देते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ही उनका एक नॉर्मल रेगुलेशन जो थायराइड ग्लैंड का होना शुरू होता है वो करते हैं। एंड ये हर पेशेंट में वेरी करता है, किसी का कुछ समय तक चलता है, किसी का, मतलब इसमें डेफिनेट ट्रीटमेंट टाइम नहीं हम बोल सकते, पेशेंट के हिसाब से होता है। तो आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड की ये बीमारी होती क्यों है। तो उससे पहले जानने के लिए, थायराइड ग्लैंड क्या होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एक बहुत छोटा सा ही बटरफ्लाई ग्लैंड होता है, जो कि हमारे इन फ्रंट ऑफ आवर विंड पाइप इट इज सिचुएटेड। तो इसका जो ऊपर से एक सिक्रीशन जो कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है आगे फर्दर थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उस पिट्यूटरी से भी ऊपर होता है हाइपोथैलेमस, जो कि उससे उसकी एक्टिविटी को वो कंट्रोल करता है। तो इसमें मेजर रोल, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होता है जब हमारी बॉडी थायरॉक्सिन जो है इनसफिशिएंट प्रोड्यूस कर रही होती है विद इंक्रीज TSH हार्मोन। एंड सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ व्हेन जब हमारी बॉडी इज अनेबल टू प्रोड्यूस इनसफिशिएंट थायरॉक्सिन ड्यू विद लैक ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उस केसेस में होता है। आइए अब जानते हैं कि इनके लक्षण आपको कैसे पता चलते हैं, यूजुअली पेशेंट क्या फील करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो हमारा बॉडी का होता है, वो सबसे पहले तो हमारी जो है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो इट्स कॉल्ड एज कि इंजन होता है हमारी बॉडी का। तो अगर हमारा इंजन ही स्लो हो जाए तो हमारी ऑल एक्टिविटीज़ गेट स्लो डाउन। तो सबसे पहले हम क्या फील करते हैं कि आप काम जितना नहीं करते उससे ज़्यादा थकावट फील करना शुरू करते हैं। मतलब कि आपकी बॉडी उतना काम नहीं कर रही है, बट यू गेट ईजली टायर्ड एंड आपको लिथार्जी फील होगा, मतलब आप उतना काम नहीं कर पाएंगे। फिर क्योंकि आपका जो है थायराइड की वजह से आपका लैक ऑफ, मतलब स्लगिशनेस आ जाती है आपके सिस्टम में। सेकेंड इज़ कि आपको जो है सोने के बाद में भी यू विल फील स्लीपी। आपने क्योंकि आपकी Stage 4 स्लीप नहीं होती है उसके अंदर, जिसमें कि आप एक मतलब अच्छी स्लीप के बाद आप उठते हैं, वो एक कंफर्ट पावरफुल स्लीप नहीं होता है। तो आपको हमेशा पूरे दिन ये लगता रहेगा कि मतलब आपको सोना है, यू विल फील स्लीपी, डल, इस तरीके के सिम्टम आते हैं। थर्ड इज़ अनएक्सप्लेन्ड अनएक्सपेक्टेड वेट गेन। अब वेट गेन किस तरीके का, कि कई लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत डाइट एंड एक्सरसाइज करते हैं बट स्टिल हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, या वी आर गेनिंग वेट। तो वेट गेन इसलिए होता है क्योंकि हमारा BMR जो है रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा बॉडी स्लगिश होने की वजह से हर एक्टिविटी स्लगिश हो जाती है। तो उसमें, उस केस में हमारा वेट गेन कैन बी अ सिम्टम। इसके अलावा आप इसमें सबसे कॉमनली हेयर लॉस, जो लोग कई बार हेयर लॉस के लिए आते हैं, वो भी इस रीज़न से होता है क्योंकि जब आपकी बॉडी में थायराइड सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपकी हेयर थिनिंग होने शुरू हो जाती है, आपकी हेयर कोर्स होने शुरू हो जाते हैं, ब्रिटल होने शुरू हो जाते हैं। तो जो आपका रीजनरेशन प्रोसेस होता है हेयर फॉलिकल का, वो स्टॉप हो जाता है। तो वो हेयर लॉस में आगे कन्वर्ट हो जाता है।
इसके अलावा बहुत लोग बोलते हैं कि उनको सिम्टम ये रहता है कि आप को बहुत ज़्यादा मसल पेन्स रहने शुरू होते हैं, जॉइंट पेन्स रहने शुरू होते हैं। उसका रीज़न है कि जब आपकी बॉडी स्लगिश हो गई तो इन ऑर्डर टू गेन एनर्जी आपका कैटाबॉलिज्म प्रोसेस ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। एनर्जी गेन करने के लिए मसल्स के ही टिश्यूज़ का ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें क्या होता है आपकी मसल की स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है और आपको पेन रहना शुरू हो जाता है। तो आप हमेशा दुखा दुखा सा फील करेंगे जॉइंट्स में या मसल्स में, तो एक एकिंग एंड वो सीवियर भी हो सकता है, वो नाइट में भी ज़्यादा रह सकता है, मतलब इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। उसके अलावा आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल एम्प्टिंग ऑफ स्टमक जो होता है वो स्टमक की भी स्लगिशनेस आती है, आपका उतना जल्दी फूड स्टमक की एम्प्टिंग नहीं हो पाती है, तो आपको एक फुलनेस सेंसेशन रहेगी, हार्ट बर्न हो सकते हैं ड्यू टू ड्राइनेस एंड स्लगिशनेस, आपको कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल की प्रॉब्लम रहनी शुरू हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग लॉट ऑफ वाटर और लॉट ऑफ फाइब्रस डाइट ऑल्सो। तो ये सब कंप्लेंट्स यूजुअली पेशेंट्स आके बोलते हैं। इसके अलावा आपको नेल्स में ब्रिटलनेस, लाइंस, ग्रूव्स ये सब आना शुरू हो जाता है। तो दिस कैन बी ड्यू टू सम अदर रीजंस ऑल्सो, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसीज में होता है, बहुत सारी हार्ट डिसऑर्डर्स में होता है, लिवर डिसऑर्डर्स में भी होता है, बट हाइपोथायराइडिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। इसके अलावा आप ज़्यादातर हाइपरथायराइडिज्म से ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको बहुत लो फील होना, स्लगिश मूवमेंट्स, डल फील होना, दिस इज़ वेरी कॉमन इन हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट एज कम्पेयर टू हाइपरथायराइडिज्म। क्योंकि बट ये अगर आपका थायराइड का करेक्शन होना शुरू हो जाता है तो ये बेटर भी होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको कोल्ड सेंसिटिविटी फील होगी, आपको एज़ कम्पेयर्ड, क्योंकि बॉडी हीट जनरेशन रिड्यूस हो जाता है बीएमआर लो की वजह से, तो आपकी बॉडी में जो आपको ठंड बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा फील होती है या नॉर्मल टू नॉर्मल टेम्परेचर में भी आपको कोल्ड ज़्यादा फील होता है, तो दिस इज़ अनदर सिम्टम। इसके अलावा अगर फीमेल्स हैं तो फीमेल्स में आप मोस्टली ये कंप्लेंट होती है कि पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं या उनकी साइकिल्स हैवी हो, मतलब हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, और इस क्योंकि कुछ कुछ साइकिल्स में क्या है आपका एग रिलीज नहीं होता है मंथली, तो एनोवुलेशन की वजह से और इसमें आपको प्रॉब्लम कंसेप्शन में भी इसलिए आती है कई बार, दिस इज़ द रीज़न। स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ड्राइनेस आ जाती है स्किन में, स्केल्स आ जाते हैं, इची स्किन हो जाती है, बट अगर ऑटो इम्यून है, मतलब यूजुअली कई बार स्किन में रेडनेस के साथ में स्वेलिंग होती है, तो हम उसको मिक्सिडीमा बोलते हैं, विच इज़ ऑटो इम्यून काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि और भी चीज़ों में होती है, तो वो आपके थायराइड लेवल्स जब चेक किए जाते हैं उसमें पता चल जाता है। इसके अलावा बच्चों में भी आजकल थायराइड का प्रॉब्लम बहुत रहता है, जैसे कि जब जैसे कई बार फीमेल्स में जो है मेनार्की डिलेड होती है, तो हम थायराइड कई बार उनका चेक करवाते हैं, तो उनमें भी कई बार TSH जो है इंक्रीज्ड मिलता है और उसकी वजह से उनकी डिलेड मेनार्की भी होती है, तो ये है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लगिश हो जाता है उनका, तो दिस कैन बी इन मतलब चिल्ड्रंस ऑल्सो। तो ये सब तो लक्षण हैं और उसके सिम्टम्स हैं, अब इनको करेक्ट कैसे किया जाए ये हम आपको बताते हैं। जैसे होम्योपैथी मेडिसिन में हम अलॉन्ग विद मेडिकेशंस पूरा प्रॉपर केस चेकिंग होता है होम्योपैथी केस चेकिंग में, जिसमें आपके पूरे इमोशनल सिम्टम एंड फिजिकल सिम्टम्स एंड आपकी पास्ट हिस्ट्री सब कुछ लिया जाता है, नॉट ओनली द सिम्टम रिलेटेड टू दिस कंप्लेंट ओनली, पूरा टोटैलिटी ऑफ सिम्टम के बेस पे आपके लिए एक दवा निकाली जाती है जो कि आपको बेस्ट सूटेड हो। तो ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, यूजुअली तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही दवाई लेनी चाहिए होम्योपैथिक फिजिशियन को, जो कि आपका पूरा केस लेके आपके लिए इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन निकाल के आपको दे। बट मार्केट में बहुत सी मेडिसिन्स होम्योपैथी की ऐसे भी अवेलेबल हैं जो लोग वैसे भी कई बार देख के लेते हैं, जैसे कि थायरॉयडिनम ले लेते हैं या बहुत सारी पेटेंट्स आते हैं, बट फिर भी मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए कि आपका थायराइड फंक्शनिंग प्रॉपर हो, मतलब रूट कॉज पे, क्योंकि होम्योपैथी वर्क करती है, तो आप किसी डोज पे डिपेंडेंट ना हो, तो आपका वो करेक्शन हो और जो आपका थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन परफेक्ट हो, तो इसके लिए आपको होम्योपैथिक कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही दवा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, कैलगेरिया काब है,
आयोडियम है, ब्रायटेकाब है, साइलिशिया है, थायरॉयडिनम है, ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो कि थायराइड में बहुत कारगर होती हैं। बट फिर भी प्रॉपर आपके लिए कौन सी दवा सूटेड है वो आपको आपका जो होम्योपैथिक कंसल्टेंट होगा वही बता पाता है। तो इसी के साथ का आप ज़रूर अपना थायराइड का चेकअप करा के और अपने होम्योपैथिक कंसल्ट नियर बाय होम्योपैथिक कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिए टू गेट रिड ऑफ टेकिंग रेगुलर थायरोनॉम और मेडिसिन, क्योंकि जो आपके वो सिर्फ डेली के आपके रिक्वायरमेंट को क्लियर करते हैं बट वो आपका रूट कॉज नहीं सही होता। जब आप मेडिसिन बंद कर देंगे तो वो आपका फिर वापस से शूट अप होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं एडवाइस करूँगी कि थायराइड हाइपोथायरायडिज्म के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी कारगर हैं, आप अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही दवा लें। धन्यवाद।